दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक कॉस्मेटिक लोशन लेकर आई हूं जिसका नाम है कैला प्योर लोशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैला प्योर लोशन है, ये कैला माइंड बॉडी लोशन है। ये कैला प्योर लोशन आपका एक इमोलिएंट की तरह काम करता है, जो कि मिक्सचर ऑफ कैला माइन, इसमें कैला माइन, एलोवेरा और लाइट लिक्विड पैराफिन पानी के साथ मिलकर बनाया हुआ ये थिक मॉइस्चराइज़र है, जो कि आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है। और ये लाइफ स्टार कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि आपकी स्किन को सूथ करता है, आपकी स्किन में शाइन और मॉइस्चराइज़र पैदा करता है। ये जो मॉइस्चराइज़र, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सनबर्न होने से भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं कि इसमें प्यूरिफाइड वाटर, एलोवेरा जेल, लाइट लिक्विड पैराफिन मिला हुआ है, कैलामाइन है, ग्लिसरीन है, सिलिकॉन ऑयल इसमें मिला हुआ है, स्ट्रेथरा मिला हुआ है, स्ट्रेथरा 221 भी मिला हुआ है, डायमेथिकॉन है, डायमेथिकोनॉल मिला हुआ है, बेंटोनाइट मिला हुआ है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट, मिथाइल पैराबिन, परफ्यूम, प्रोपाइल पैराबिन, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट इसमें मिला हुआ है। जो कैला प्योर लोशन है, ये जो बॉडी लोशन में साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक और एंटी पेरिटिक प्यूरिट्रिक का भी काम करता है। ये जो कैलामाइन आपका लोशन है, कैला प्योर लोशन है, जो कैलामाइन लोशन की तरह काम करता है, वो कैलामाइन इसमें जो मिला हुआ है वो आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, सूद करता है, साथ ही साथ जो स्किन में इरिटेशन होता है, खुजली और ज़्यादा रेडनेस हो जाता है, कभी कभी खुजली करने से वहाँ लाल होकर चकत्ते लाल पड़ने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें जो एलोवेरा मिला हुआ है, एक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोटेंट हर्ब है, बहुत ही ज़रूरी हर्ब है, जो आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं, यानी आपकी स्किन में जो रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, खुजली होती है, ये उसको कम करता है। साथ ही साथ ये एक एंटी बैक्टीरियल भी एक्टिविटी देता है, यानी जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे एक्जिमा या कोई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं स्किन पर, उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो ये जो एलोवेरा है ये उसको भी दूर करता है। तो ये एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन कंडीशन को ठीक करके उसको मॉइस्चराइज करता है, उसमें नमी देता है और आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, यानी जो स्किन सिकुड़ जाती है, तो उसको नॉर्मल करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन फ्रेश, तनी हुई और जवान आपकी स्किन दिखे। जो एलोवेरा इसमें मिला है वो आपकी स्किन को अंदर तक जाके हाइड्रेट करता है, और इसकी ख़ास बात है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन आपकी स्किन पे कोई भी ऑयली इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा और स्किन अलग से चमकेगी नहीं। जो एक चिपचिपापन, तेलौसापना आ जाता है, कोई अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसमें ऑयलीनेस जो आ जाती है, अलग से चमक दिखती है, तो ये जो लोशन है, इसमें जो एलोवेरा मिला हुआ है, उसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज तो होगी, हाइड्रेट तो होगी, उसकी नमी तो बरकरार रहेगी, लेकिन उसका चिपचिपापन, ऑयलीनेस आपको नहीं दिखेगा, ऐसा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो लाइट लिक्विड पैराफिन है, उसका इस्तेमाल एक इमोलिएंट की तरह होता है, जो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। उसका जो रूखापन होता है, जो वाइट लाइन्स आने लगती है, जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है स्किन, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसका इस्तेमाल खुजली जो होती है बॉडी पे, या जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, या स्किन की कोई एलर्जिक कंडीशन हो, जैसे कि खुजली, सूजन, रेडनेस, एक्जिमा हो जाना, रैशेज आ जाना, चिकन पॉक्स हो जाना, या धूप से जो स्किन जल जाती है, काली पीली लाल पड़ जाती है, तो ये उन सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को शाइन करता है और स्किन को हेल्दी रखता है। ये जो लोशन है कैला प्योर, इसका इस्तेमाल एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह होता है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको ठंडक पहुंचाता है और ड्राइनेस से बचाता है, आपकी डैमेज स्किन को ठीक करता है, अंदर से सेल को इम्प्रूव करता है, और स्किन जो इन्फ्लेम्ड होती है, चैप्ड होती है, उसको ठीक करता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि कैला प्योर लोशन का थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथों पर लेना है, ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथों पर ले के जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको धीरे धीरे मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, कि वो इतने स्लो करना है कि वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, अंदर तक पहुँच जाए आपका लोशन, और अंदर से जाके आइए आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करके उसमें मॉइस्चराइजर लेवल बढ़ाए।
इसके और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको इसको दिन में 2 बार कम से कम लगाना है या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। ये जो लोशन है इसको आपको इस्तेमाल करने के बाद हमेशा इसको कूल ड्राई प्लेस पे रखना है और धूप से डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। साथ ही साथ हमेशा जो कैप है उसको टाइटली क्लोज कर देना है जिससे कि आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़राब ना हो। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो स्केला प्योर लोशन पे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसे कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहने बताना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। आप में से जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।